स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 2023 में विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा और रावण दहन का शुभ मुहूर्त कब है, इस दिन शुभ योग कब है, क्या क्या करना चाहिए। पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से लेकर नवरात्रि के 9 दिन बाद 10वें दिन तक है। दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। भगवान राम और माँ दुर्गा की विजय के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन बनने वाले शुभ योग, दशहरा की पूजा, पूजा व रावण दहन का मुहूर्त, पूजा विधि और शुभ योग, इनके बारे में जानते हैं। वर्ष 2023 में विजयादशमी दशहरा 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। दशमी तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर शाम 5:44 से लेकर दूसरे दिन 24 अक्टूबर 2023 दोपहर में 3:14 तक होगी। श्रवण नक्षत्र की शुरुआत 2023 अक्टूबर शाम 6:44 से लेकर दूसरे दिन 23 अक्टूबर शाम 5:14 तक है। विजयादशमी का मुहूर्त दोपहर में 1:58 से लेकर 2:43 तक है। अपराह्न पूजा का समय दोपहर 1:13 से दोपहर 3:28 तक है। दशहरा के दिन लंकापति रावण, उनके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। मान्यता के अनुसार पुतलों का दहन शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसका शुभ परिणाम मिलता है। 2023 में विजयादशमी के दिन रावण दहन का मुहूर्त 24 अक्टूबर के दिन सूर्यास्त के बाद शाम 5:43 से लेकर आगे 2.5 तक रहेगा। विजयादशमी तिथि श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। इस दिन रवि योग सुबह 6:27 से दोपहर 3:38 तक होगा। इसके बाद वृद्धि योग दोपहर में 3:40 से शुरू होगा और पूरी रात रहेगा। विजयादशमी के दिन भगवान श्री राम और माँ दुर्गा और शमी वृक्ष की पूजा का विधान है। दशमी के दिन प्रातःकाल माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करके देवी दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन और नवरात्रि का समापन करते हैं। दशमी के दिन प्रातःकाल माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करके देवी दुर्गा माँ की प्रतिमा विसर्जन और नवरात्रि का समापन करते हैं। अपराह्न काल में ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर देवी अपराजिता और जया विजया देवियों का पूजन किया जाता है। विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा करके आरोग्य धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान राम ने रावण विजय से पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी। विजयादशमी के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा ध्यान करने का विधान है और मंदिर में धर्म स्थान में झाड़ू का दान देना शुभ माना जाता है। कार्यों में सफलता पाने के लिए माँ दुर्गा का मंत्र ओम विजयाय नमः 108 बार करें। माँ दुर्गा को 10 प्रकार के फल अर्पित करें। अगर ना मिले तो एक ही प्रकार के 10 फल अर्पित करें। माँ से अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए प्रार्थना करें। विजयादशमी के दिन घर में ईशान कोण में रोली, कुमकुम, लाल रंग के फूलों से रंगोली या अष्टदल कमल बनाकर दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें और घर में बरकत होती है और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। घर में खुशहाली आने के संकेत मिलते हैं। रावण दहन पर बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में पर्व मनाया जाता है। राम ने 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की थी और 10वें दिन रावण वध करके विजय प्राप्त की थी। रावण दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है।
मन की सभी बुराइयों को खत्म करके सभी इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। रावण के 10 सिर 10 बुरे कर्मों के प्रतीक हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सय, अहंकार, आलस, झूठ, चोरी। रावण दहन के समय प्रत्येक व्यक्ति ने अपने मन के 10 विकारों को छोड़ना होता है, तब सही मायने में विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। राम और रावण दोनों ही शिव के भक्त थे। राम ने सत्य और अच्छाई को चुना और रावण ने असत्य और बुराई को चुना, इसलिए बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। इस दिन अहंकार का नाश होता है, संबंध सुधारते हैं, शमी पत्र देकर और लेकर आशीर्वाद देते और लेते हैं। इस त्यौहार पर संबंध अच्छे होते हैं, एकता की शक्ति बढ़ती है, एक दूसरे के घर जाकर शमी पत्र देते और लेते हैं और गले मिलते हैं। किसानों की नई फसल आती है, इस खुशी में वो दशमी मनाते हैं। हथियार और शस्त्र की पूजा की जाती है, युद्ध में जीते हुए शस्त्र हथियार की पूजा की जाती है, क्योंकि उन शस्त्रों से हथियारों से विजय मिली होती है। कॉपी पुस्तक की पूजा की जाती है, क्योंकि उनसे जीवन में सफलता मिलती है, इस खुशी में पुस्तक कॉपी की पूजा की जाती है। घर को गेंदे के फूलों से और आम के पत्तों से सजाया जाता है। मुख्य द्वार पर गेंदे के फूल और आम के पत्तों का वंदनवार तोरण लगाते हैं। घर की वस्तुओं की वाहन की पूजा की जाती है। इस प्रकार देश प्रांत के अनुसार विजयादशमी का पर्व पूरे उत्साह उमंग उल्लास के साथ मनाया जाता है। आप सबको विजयादशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।